राधा ए ए रधिया आना आ आ बैठ पे आना नहीं राजा मुझे छोड़ दे शाबाश नहीं नहीं मुझे छोड़ दे ठाकुर नहीं ऐसे 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 हे हे ऐसे ओ भैया मुन्नीलाल कहो भैया चुन्नीलाल देखो देखो इनका ठकुरों का अरे देखा भैया अरे देखो वही मुंह से बिटिया हाँ हाँ कहत रहा है और वही देख लियो इनके नेचर ए अब हमारा तो देखा नहीं देख जा रहा अब करी तो का करी भाई चुप रहो राधा देखा तुम्हें मैंने कहाँ पहुंचा दिया नहीं कमीने तूने तो मुझे बेटी कहा था अपने इसी जुबान से लेकिन तू भी आ गया मेरे साथ घिनौनी हरकत करने नहीं मुझे छोड़ दे राम जादी मैं तुझे बेटी कहा था इसलिए कि तू ऐसे हवेली नहीं आती चलो ये क्या कर रहे हो बेचारी राधा आओ सागर बड़े ठाकुर जिंदगी में पहली बार ऐसी रोमांचिक लौंडिया लाया मजा आ गया जिंदगी का मैंने तो कहा था ना कि राधा कुछ चीज ही और है अच्छा एक काम कर कौन सा काम अपना काम हो गया आओ राधा यहाँ आनी नहीं चाहिए जा 10-20 हजार रुपए दे दे और कह दे कि अपने घर जाए ठीक और हाँ इतना कह देना किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलना तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाना कुर्सी लगा रहे समझ गया उसे समझा के हम यही हैं बैठे हैं मेरे पास आओ तुम देखो राधा को सागर सिंह भेज दिया बड़े ठाकुर मैं राधा को खूब अच्छी तरह समझा दिया हूं इसलिए मैंने उसे कहा कि तेरा भी यहां कोई काम नहीं 10-20 हजार ले ले जाके अपने झोपड़ी में अपना गुजर कर कहा था ना तुमसे कि राधा बैठक रूम में नहीं आनी चाहिए ये कमीनी तो हमारी बात को ठुकरा ही दिया बड़े ठाकुर ऐसे कह दो कि 10-20 हजार रुपए ले ले यहां से चली जाए अपने आप अपनी इज्जत का ढिलोरा मत पीटे हैं ठीक है बड़े ठाकुर पंजाब से अरे राधा उठ खड़ी हो देख जो होना था सो तो हो गया अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा ये बात केवल तू जानती है और हम बड़े ठाकुर
अगर तू चाहती है जीना, इस दुनिया में रहना चाहती है, तो 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार मैं दे दूंगा तुझे। अच्छा आराम से मुंह मत खोलना, कहीं जाके अपना गुजर कर। कमीने, कमीना, तूने अपने इसी जुबान से मुझे बेटी कहा था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घिनौनी हरकत की, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और ना ही बड़े ठाकुर को। और हाँ, कान खोल कर सुन ले जी राधा, अब यहाँ से नहीं जाएगी और यहाँ से कभी भी, यहाँ से कभी भी, यहाँ से कभी भी न जाऊंगी ठाकुर, यहाँ से कभी भी न जाऊंगी ठाकुर, यहाँ से कभी भी न जाऊंगी ठाकुर। तुम दोनों को हराम जादा, तुम दोनों को, तुम दोनों को अपना प्रीतम बनाऊंगी ठाकुर। ओ छड़ियो, मेरी बात को सुन। क्या कह रही है? हम दोनों को अपना प्रीतम बनाएगी। ऐसा कर से आज समझा तो रहा हूं ना बड़े ठाकुर। एक बात तो सुन हमरी। हाँ। अगर हम जिस लौंडिया के साथ ऐसा कार किए हैं, हाँ? सबको अपनी हम दुल्हनिये बनाते, तो हमरे चौपाल से हमरे हवेली तक लाइन लग जाती। इसे समझा कर यहाँ से पार करो। अरे अगर इसे यहाँ से आए, अगर से यहाँ से न जाओ की राधा, अगर कसम से बहुत तू मार, कसम से बहुत तू मार खाबो गिराधा। कान खोल कर सुन ले, अगर तू हवेली छोड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं होती तो सोच ले, बहुत बहुत ही बुरा हो सकता है। कमीना, तुम दोनों ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। कमीना, कमीना, इधर आ रहे, बड़ी बेशरम है अपनी इज्जत का ढिनोरा अपने आप खुद पीट रही है तू। किसको बोला रे? उसी को था।
शैगल सिंह। हाँ बड़े ठाकुर। हमारे दहशत से ये किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी। हाँ बड़े ठाकुर, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसने कहीं जुबान खोलने की कोशिश की, इसकी औकात ही नहीं है कि जुबान खोल दे। क्या हाँ सही कहते हो। और हाँ, अरे हम जरा स्नान करेंगे, हम नहाने के लिए पानी गर्म कर। हाँ, चलो तब तक हम नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम बैठक रूम में सबको काम सुना। ठीक है बड़े ठाकुर, ऐसा ही होगा। बैठे बैठे छोटे ठाकुर, मेरी बात को सुनो। बताइए मालिक। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारी हवेली के वसूल कुछ दूसरे हैं। ये बात जो इंसान हवेली की तरफ आंखें उठाकर देखने की कोशिश करता है, हिम्मत नहीं, उसे हमेशा हमेशा के लिए खानदान उसका अंधा कर दिया जाता है। क्यों नहीं, अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाता नजर आए तो ये खबर हम तक जरूर पहुंचा। जी बाबू, चलिए मालिक। समझ गए? हाँ हाँ बाबू। यार भैया। अरे भैया मुन्नीलाल। कहो भैया चुन्नीलाल। अरे यार का बताई, ये जानो। हाँ भैया। गरीब गरीबे को होते, या बात तो सही कहे, गरीब गरीबे को होते हो हमार जो मानत नहीं ना बाय। यह बात हम जा रहे हैं काका से बताएंगे। यह बात तो सही कहे, तो जा काका से बता जाए। जा रहे हैं काका से यही बताएंगे कि काका बिटिया राधा को ठाकुर कौशल सिंह के दोस्त सागर सिंह पानी भरने के बहाने हवेली बुला कर ले गए हैं। अभी तक राधा दीदी वापस नहीं आई है। पता करो काका। बहुत सही भैया, कौनो तिकड़ी लगा है कि इनका पिलवाओ। यह बात सही कहे। तब काम बने भाई, जा 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 तो जा जा। कहना है और घुस गए बुढ़ऊ बुसैला माँ, घुस गए बुढ़ऊ बुसैला माँ, ओ बुसैला माँ बूढ़ा का तिखाइन दातन बखौरा माँ, बूढ़ा का तिखाइन। का बताई भैया, अभी तक राधा बिटिया नहीं आई घास लेकर। ठीक है उतरे हुए हैं। काका। का भा बेटवा, तुम्हारे परिवार में बड़ा गड़बड़ होगा। का भा गड़बड़? ये हुआ है दादाजी, तुम्हारी बिटिया राधा को हाँ जिमीदार ठाकुर कौशल सिंह के दोस्त सागर सिंह पानी भरने के बहाने हवेली बुलाकर ले गए हैं। हवेली? हाँ, अभी दीदी वापस नहीं आ रही। हे बिटवा, हम हवेली तक ले चला। हम आपसे बताने के लिए भागते हुए आ रहे हैं। ठाकुर कौशल की हवेली तक हमें ले चलाओ। हाँ काका। हाँ बिटवा। ए काका। हाँ। तुम हमारे साथ ना आओ। काहे? नहीं वह जाने पा रहे हैं बेईमान भाई। तो हम बड़ी पेलाई करी। अच्छा, हम हुए चली थे तुमका मिलबे। ठीक है काका। हाँ। हम का ना बतायो कि चुन्नी ललवा आवा रहा है। ठीक है, तुम नहीं तो हमें घर में तो पानी भरवा दे। चलो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने बापू को अपने भैया को क्या मुँह दिखाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं और जीते जी
ये राधा इस दुनिया संसार को अपने बापू को नहीं मुंह दिखाएगी, नहीं मैं जहर को इसी वक्त खाऊंगी। लम्बरदार आपके पास कुछ काम से आवा है। काम से? हाँ लम्बरदार। कौन सा काम है धर्मू? लम्बरदार पता लागे कि हमार राधा बिटिया आपकी हवेली पाई रही है। आपकी राधा बिटिया? हाँ 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 आई थी पानी भरने के लिए। एक घंटा हो गया गई वो। हाँ धर्मू अरे चुन्नी लाल चली गई ना। और कहाँ गई राधा ठाकुर बता। हमें तुम रुलाओ हुआ तीन घंटा न घर आई राधा। ठाकुर साहब तीन चार घंटा हुआ चाहती अभी तक राधा हमरे घरे नहीं आई। हाँ हुआ तीन घंटा न घर आई राधा। और सच सच बताबो कुछ ना छुपा। धर्मू मैंने जो कुछ कहा सुना नहीं। और हुआ एक घंटा गई वो यहां से। हाँ धर्म काका हो तुम कष्ट उठाए। कहीं वो किसी से फंसी तो नहीं है? ऐसे बात दोबारा अपने जुबान पर ना लाओ कि हमारी राधा को फंसी तो नहीं। शांत धर्मू काका शांत। देखो आज का जमाना बड़ा उल्टा सीधा चल रहा है। कहीं कोई किस लौंडे से उसका लोकेशन तो नहीं है?
देखो आजकल मोबाइल में खुला बात करते हैं, करते हैं कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है कहीं वो किसी से फंसी तो नहीं है और मोहल्ले में जाकर पता तो लगाओ, मोहल्ले में धर्म काका। हमने कहा नहीं आज का जमाना बड़ा उल्टा है। अब मोहल्ला में ना पता लगो कहूँ से और ना ही गांव में कहूँ से पूछब। अब सीधा ही से जाए थे थाने और थाने में जाए के कौशल और सागर सिंह के नाम रिपोर्ट दर्ज। धर्मुआ इधर आ रहे, कनी हंटर उठा, हमरा उठा हंटर। हंटर ला रहे कह रहे थाने का कौन पुलिस वाला हमरे नाम रिपोर्ट दर्ज करेगा? कानून कोई नहीं, कोई नहीं कानून। कौशल सिंह और सागर सिंह के नाम रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट। ठाकुर साहब आपका होई अपने लेजने कौन रे? ये बुरा हुआ बहन, ये रिपोर्ट नहीं लिखाएगा रे। और हाँ इसके पीछे जाओ, अगर साला रिपोर्ट लिखाता तो गोली मार देता। ठीक है, दस साले के पीछे। और हाँ कौन ऐसा थाना है जो हमको नहीं जानता है? हमारे नाम कोई पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखेगा, इसकी साले की औकात क्या है?